नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज नेटवर्क में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने इस सप्ताह की राशिफल के साथ। कैसा रहने वाला है यह पूरा सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए, और साथ ही अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं आपको, इस विषय की जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कैसा रहने वाला है यह पूरा सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे अपनी नाम की राशि, चंद्र राशि और लग्न के आधार पर देखें। सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करने का है। मिले जुले परिणाम को लेकर आया है यह सप्ताह। सफलता अवश्य मिलेगी, प्रयास करते रहे, परंतु अत्यधिक उतावलेपन से बचने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर जब आपकी सभी चीजें सही दिशाओं में जा रही हूँ, तब अत्यधिक उतावलापन आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को करें। जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाने में सफल रहेंगे, जिससे कि आपके वर्क प्लेस में आपकी सराहना होगी। देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई दे रही है। आपकी सैलरी में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह मिले जुले परिणाम का होगा। जो जातक छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु जो जातक बड़े कारोबारी हैं उनके लिए थोड़ा बहुत समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही जो जातक भूमि भवन इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ कार्य करना होगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों एवं सीनियर्स की सलाह लेना ना भूलें। अगर बात करेंगे आपके परिवार की तो पारिवारिक जीवन बहुत ही शुभ रहने वाला है। परिवार का माहौल सकारात्मक रहने वाला है। आपको आपके परिवार का सभी कामों में पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक तनाव कम होगा। साथ ही आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सभी कार्यों में आपके साथ आपके जीवन साथी खड़े नजर आएंगे। लव पार्टनर के साथ भी आपका समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। उनके साथ घूमने फिरने का, बेहतर समय बिताने का अवसर मिलेगा। अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन की संभावनाएं बन रही है। मौसमी बीमारियों से आपको परेशानी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है केसरिया, और उपाय करना है आपको भगवान हनुमान को सिंदूर का तिलक लगाएं एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियां लेकर आ रहा है, संघर्षपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहा है। इस सप्ताह अपने क्रोध और वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आपके परिवार में आपके स्वजनों से आपका वाद विवाद हो सकता है, जिससे कि आपका मन खिन्न हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ सकती है, जिसका असर आपके काम काज में भी दिखाई देगा। जो जातक नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है, जो कि मनचाहा ट्रांसफर नहीं होगा, जिससे भी आपको आपके कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से छिन सकता है, जिससे कि आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपका मन अशांत हो सकता है, तनाव हो सकता है, जिस पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आप कोई भी कार्य करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोच विचार करें, रणनीति तय करें, तभी किसी कार्य की शुरुआत करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की तो परिवार में विवाद हो सकता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा संभल कर रहने की, धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता होगी।
स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। अगर बात करेंगे आपके लव लाइफ की तो लव मेट के साथ भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। बहुत ही सोच विचार कर कोई भी कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक शादीशुदा है उनका, उनके जीवन साथी का बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। जीवन के कठिन समय में उनके जीवन साथी उनके साथ खड़े रहेंगे, जिससे कि उन्हें तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। देखा जाए तो वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियां लेकर आ रहा है। बहुत ही धैर्य के साथ आपको इस सप्ताह सभी कार्यों को करना होगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफेद, और उपाय करना है आपको श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता दुर्गा के मंदिर में दीप दान करें, गरीबों को अन्न का दान करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके परिवार या आपके कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे निभाने में आप सक्षम रहेंगे। बहुत ही लगन पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, जिससे कि समाज में आपकी प्रशंसा होगी, साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको कोई सम्मान मिल सकता है इस सप्ताह आपके वर्क प्लेस में। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी, जिससे कि पिछले दिनों के लंबे कोई समय से अटके हुए कार्य आपको पूरा करने का मार्ग मिलेगा। आपकी नई योजनाएं फलीभूत होंगी। जो योजनाएं पिछले दिनों पेंडिंग रह गई थी, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का मार्ग मिलेगा। जो जातक शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, और जीवन के हर मोड़ पर जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक किसी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो जातक स्टूडेंट्स है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह सुखद परिणाम मिलने वाला है। सुखद समाचार आपको मिलेगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में या जिन परीक्षाओं की तैयारियां आप कर रहे हैं, उनमें सकारात्मक रिजल्ट मिलने का आपको योग दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आया है। आपके लिए इस सप्ताह शुभ अंक है 2, शुभ रंग है हरा, और उपाय करने हैं आपको श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, गो माता को हरी सब्जियां खिलाएं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। किसी महिला मित्र की मदद से आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। आपके प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां भी दूर होंगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई विवाद था, आपके स्वजनों से कोई विवाद था, तो वह भी इस सप्ताह सुलझ सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही लाभदायी साबित हो सकती है। आर्थिक पक्ष इस सप्ताह मजबूत रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपको आर्थिक स्थिति में भी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। किसी प्रकार का तनाव ना लें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करेंगे कारोबारियों की, तो जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको यश और सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो संतान पक्ष से भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल सकारात्मक बनेगा। आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। देखा जाए तो यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ मामलों में थोड़ी बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी, तो देख ओवरऑल आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ रंग है सफेद, और उपाय करने हैं आपको भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्व की अपेक्षा कुछ राहत भरा रहने वाला है।
करियर कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होती दिखाई दे रही हैं, सेहत से संबंधित परेशानियां भी कम होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अपनी सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अन्यथा आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके निजी जीवन की, तो निजी जीवन से जुड़े मसलों को बहुत ही सावधानी के साथ हल करने का प्रयास करें। आपके ईगो की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जो जातक स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने लक्ष्य पर फोकस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी उनको अपने परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे। साथ ही जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी एक मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए। जो जातक महिलाएं हैं, उनका ज्यादातर समय धार्मिक क्रियाकलापों में बीतने का योग बन रहा है। देखा जाए तो यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जो जातक नौकरी करते हैं, उनके लिए भी समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही सतर्कता के साथ और सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत तक आपकी सारी परेशानियां कम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है सुनहरा, और उपाय करना है आपको भगवान सूर्य को अर्ध दें, ओम घ्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, कुछ संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी कार्य विशेष में आ रही अड़चन या परिणाम में देरी के चलते बिल्कुल भी हताश ना हो, निराशा के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इस निराशा के भाव से बाहर निकले, मेहनत करते रहे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सप्ताह के मध्य में जो जातक कारोबारी हैं, उन्हें अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, परंतु यह भाग दौड़ आपके बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा, परंतु आपकी सेहत को अफेक्ट कर सकता है। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहे, नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। साथ ही अगर बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो कहीं भी धन निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी नए कार्य से खुद को जोड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो इस सप्ताह स्टूडेंट्स को भी अपने परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जातक नौकरी करते हैं, उनके लिए भी समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने कार्यों में आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रहना होगा, अन्यथा आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें और मानसिक तनाव लेने से बचें। अगर बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो लव पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। आपके हर कठिन समय में आपके लव पार्टनर आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 6, शुभ रंग है गुलाबी, और उपाय करना है आपको भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाने में आप कामयाब रहेंगे। करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर साबित होगा यह सप्ताह। कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद मिलेगी, जिससे कि आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें अपेक्षा से अधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में किसी के भी मसले में बिल्कुल भी आप अपनी टांग ना अड़ाएं, किसी के प्रॉब्लम्स में ना पड़े। दूसरों को सलाह देने से पहले यह जरूर जांच ले कि उन्हें आपके सलाह की जरूरत है या नहीं, अन्यथा आप वे वजह किसी विवाद में उलझ सकते हैं। इस दौरान पुराने विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किसी के बहकावे में आने से भी आपको बचना पड़ेगा।
जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव मेट के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। जो जातक मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, उनके जीवन साथी हर मोड़ पर उनका साथ देंगे। जो जातक बेरोजगार हैं, उनके लिए नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे और स्टूडेंट्स को भी उनकी परीक्षा प्रतियोगिता का अच्छा परिणाम मिल सकता है। युवा वर्ग का यह समय कुछ मौज मस्ती करते हुए बीत सकता है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सप्ताह के अंत में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है बादामी और उपाय करना है आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपकी जिंदगी के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। सही दिशा में अगर आप अपनी सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके मित्रों की मदद से या किसी परिजन की मदद से कोई लंबे समय से अटका काम पूरा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर आपने पिछले दिनों कोई योजना बनाई थी, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या जिसे अधूरा छोड़ना पड़ा था, उनकी भी शुरुआत के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं और आपके जो सहकर्मी हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपके कार्यों में तेजी आएगी, प्रगति आएगी और आपके वर्क प्लेस का माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे कि काम में आपको आसानी होगी और तरक्की मिलेगी। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही उस प्रोजेक्ट से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक मुनाफा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपकी सेहत और आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर ना करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में मौसमी बीमारियां आपको अफेक्ट कर सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। अगर बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और जो जातक पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ या मित्रों के साथ कुछ यात्राओं का भी योग बन रहा है, जो बहुत ही सुखद होंगे। आपके परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा, मित्रों के साथ आपका मन बहलेगा, बहुत ही खुशनुमा समय गुजरेगा आपका। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है बैंगनी और उपाय करना है आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य का त्याग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और समय का प्रबंधन करके आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करेगी। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता का दायरा भी बढ़ेगा। किसी व्यक्ति के साथ नई योजना या कारोबार में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य कर लें। किसी योजना के पूरी होने के पहले उसे गुप्त रखें, अन्यथा विरोधी अड़ंगे लगा सकते हैं। भूमि, भवन या फिर किसी महंगी चीज को खरीदने से पहले किसी की सलाह अवश्य ले लें।
अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। सप्ताह के अंत में किसी महिला मित्र की मदद से आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों से जुड़ी बातों को सभी के साथ शेयर करने से बचे, अन्यथा लोग आपका मजाक बना सकते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय गुजरेगा, प्रगाढ़ता बनी रहेगी। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही विशेष रहने वाला है। आपको बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है पीला और उपाय करना है आपको भगवान विष्णु की पूजा करें, गुड़ एवं चने का दान करें। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके मित्रों की मदद से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामलों में बहुत ही ज्यादा सुधार आने की संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होती नजर आ रही है। इस दौरान आपके कारोबार में आ रही अड़चने दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से परंतु सावधान रहना होगा। अपनी कार्य योजना को पूरी होने तक गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, अन्यथा आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपके कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं। किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से सोच विचार जांच पड़ताल कर ले, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। परिवार वालों के साथ ये समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। आपके व्यक्तित्व से परिवार के लोग खुश रहेंगे। आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे। आपके जीवन साथी का आपको साथ हमेशा मिलता रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्तों में भी प्रगाढ़ता आएगी। जो युवा वर्ग के जातक है, उनका ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीत सकता है, जिससे उन्हें बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में है, उन्हें प्रयास जारी रखना होगा मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए। और जो जातक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है भूरा और उपाय करना है आपको भगवान शनि देव की पूजा करें, तिल एवं तेल का दान करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य को बहुत ही सोच विचार करके करें, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, उसे बहुत ही अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करें। जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, उनके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपके कार्यों को अवरुद्ध कर सकते हैं, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। अगर बात करेंगे आपके परिवार की तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है, परंतु परिवार में अगर कोई विवाद है या परिवार से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे सुलझाते समय दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा बिल्कुल ना करें। सप्ताह के मध्य में आपके सेहत थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न कर सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। साथ ही आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो जातक लव रिलेशनशिप में है, किसी प्रकार की गलत फहमियों को ना पनपने दे, अन्यथा बने बनाए संबंध टूट सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस रहना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी अपनी परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह शुभ अंक है 8,
पाठ शुभ रंग है फिरोजी और उपाय करना है आपको भगवान हनुमान की पूजा करें, श्री बजरंग बाण का पाठ करें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। अपनी समय एवं ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की आपको आवश्यकता होगी। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाने का प्रयास करते रहें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कार्यों के प्रति लगन से आपको सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपके परिजनों से आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर बात करें आपके संतान की, तो संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके संबंधों पे प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। और जो जातक विवाहित हैं, उनके जीवन साथी का सहयोग उनको मिलता रहेगा। उनके हर परेशानी में उनके जीवन साथी उनके साथ खड़े रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। जो जातक नौकरी करते हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी अपने वर्क प्लेस पर मिल सकती है, जिसे आप सफलता से निभाने का प्रयास करें। मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सुनहरा और उपाय करना है आपको भगवान नारायण की पूजा करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह थी जानकारी इस सप्ताह के राशिफल की और साथ ही कुछ विशेष उपाय, जिससे कि आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न ना हो और इन उपायों को करने से आपके सभी कार्य सफल हो, आपको सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ अपना एक कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।